हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप भी अपने फ़ोन में इस तरह की सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे होते हैं, आप काम में बिजी होते हैं और आप अपने फ़ोन को किसी एक जगह पर रख देते हैं, जैसे कि बेंच वगैरह टेबल वगैरह में रख देते हैं। उस दौरान किसी का भी कॉल आता है तो आप उस काम को छोड़कर पहले अपनी मोबाइल की ओर जाते हैं, देखते हैं किसका कॉल आ रहा है। लेकिन एक छोटी सी सेटिंग कर लेने के बाद जब भी आपके फ़ोन में किसी का भी इनकमिंग कॉल आएगा, आपका फ़ोन खुद उस बंदे का नाम लेकर आपको बता देगा कि इस बंदे का कॉल आ रहा है। तो कुछ इस तरह की सेटिंग अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में करना चाहते हैं, वेल तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप अपने स्मार्टफोन में लाइव आगे करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले यहां पे मैंने अपने फोन में गूगल की डायल पैड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, क्योंकि मेरे फोन का जो बाय डिफॉल्ट डायल पैड है इसके अंदर कॉलर अनाउंसमेंट आईडी का जो सेटिंग नहीं दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपको भी यहां पे सर्च बार में इतना लिखकर सर्च करना है फोन बाय गूगल, तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। ये एक डायल पैड एप्लीकेशन जो गूगल कंपनी की है। वैसे अभी जितने भी नए स्मार्टफोन आ रहे हैं सभी में गूगल की डायल पैड, ये वाली डायल पैड एप्लीकेशन ऑलरेडी मिल जाती। मेरे फ़ोन में नहीं है बोल के मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो आपको भी चेक कर लेना है। अगर नहीं है तो आपको ये डायल पैड जो गूगल कंपनी की है इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेने के बाद दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपके जो फ़ोन का बाय डिफ़ॉल्ट डायल पैड है उसे यहाँ से होम स्क्रीन से यहाँ से इस तरीके से हटा दीजिए, और जो आपने अभी गूगल कंपनी के डायल पैड को डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया इस डायल पैड को आप यहाँ पे अपने होम स्क्रीन में सेट कर दीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग बस आपको करनी है, आपको इस डायल पैड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेट अस डिफॉल्ट पे क्लिक करके इस वाले जो अभी नए डायल पैड को आपने डाउनलोड किया उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सेट अस डिफॉल्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड में ऊपर थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको वो सेटिंग देखने को मिल जाती है कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का, तो आप इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनाउंस कॉलर आईडी पे क्लिक करेंगे, और ये यहाँ पे नेवर सिलेक्ट है तो आपको ऑलवेज पे सिलेक्ट कर लेना है। बस इतनी सी छोटी सी सेटिंग आपको अब करनी है। अब जब भी आपके फ़ोन में किसी का भी इनकमिंग कॉल आएगा और उसका जिस भी नाम से आप अपने फ़ोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट में उनका नंबर सेव करके रखेंगे, आपका स्मार्टफोन उस नाम को पुकार कर आपको बताएगा कि इस नाम से आपके फ़ोन में कॉल आ रही है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में गूगल की डायल पैड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर आप कॉलर आईडी अनाउंसमेंट्स वाली सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।